ओके, तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे चंद्रगिरी हिल जो है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे जो चंद्रगिरी जो स्टॉप है वहाँ पे आने के लिए आपको लोकल ट्रांसपोर्ट जो है बसें हैं वो मिल जाती हैं इजीली, और फेयर्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कम ही है। हम जहाँ से निकले थे वहाँ से कौन सा था वो, हाँ कुछ महाराजगंज था, तो वहाँ से हम आए यहाँ पे अपना। फिर यहाँ से दो बसें चेंज करी हमने और टोटल कुछ वही 50 नेपाली रुपीज़ लगा, जो कि अराउंड 30 रुपीज़ होता है इंडियन। तो 30 रुपये में यहाँ पे पहुँच गए, जो यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर था वहाँ से जहाँ से निकले महाराजगंज से। तो ठीक है, अभी ये आगे सामने है, ये देखिए ये चंद्रगिरी हिल है। तो यहाँ से चलती है केबल कार्स जो पहाड़ के ऊपर लेकर जाएगी, और यहाँ पे अभी चलते हैं ऊपर। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे टिकट काउंटर है, और वहाँ से फिर आपको चढ़ाई करनी है, फिर वहाँ से केबल कार आपको ले जाएगी सीधे ऊपर। तो ठीक है, यहाँ पे अभी सैटरडे है तो अभी वीकेंड है, तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, लोग यहाँ पे पिकनिक भी कर रहे हैं, ये देखिए सामने कुछ। और हम यहाँ नीचे से आए इस तरफ से, और अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं। तो ये है एंट्रेंस गेट चंद्रगिरी हिल्स का, तो अभी यहाँ पे जाएंगे आगे सामने, फिर वहाँ से टिकट काउंटर होगा। तो टिकट काउंटर का कुछ 500 या 700 कुछ होता है NPR में, तो देखते हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और टाइम हो रहा है कुछ 1:10 हो रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है टिकट काउंटर तक पहुंचते पहुंचते। होपफुली 1 घंटे में हो जाए, बट नहीं लग रहा। लेट्स सी। और ये देखिए सामने पूरा का पूरा काठमांडू। तो अभी कम से कम 20-25 मिनट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लग रहा है कि 1.5 घंटा और लग जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आपको यहाँ पे आना है तो या तो मॉर्निंग आवर में आ जाइए, या फिर आप सैटरडे संडे को जो है अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश होता है और बहुत टाइम वेट करना पड़ता है यहाँ पे क्यू में। तो पता नहीं, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, मैं बताऊँगा आपको। और बाकी आप बेटर होगा मॉर्निंग में ही आइए या फिर वीकडेज में आइए, सैटरडे संडे तो यहाँ पर काफ़ी क्राउड होता है। वैसे अच्छा तो लग रहा है यहाँ पर, बट वेट करना थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो लेट्स सी कितना टाइम और लगता है हमें यहाँ पर। ये देखिए लोग लाइन में खड़े हैं अभी कम से कम सामने और 500 प्लस लोग होंगे आराम से। हाँ तो भैया, पहले यहाँ पे आपको टिकट लेना होता है, फिर जाके ये लाइन पे खड़े रहना आपको, ठीक है ना। तो टिकट जो है इंडिया के लिए 700 INR और 1120 आपको लगते हैं NPR, ठीक है ना। और अगर आप नेपाली होते तो थोड़ा कम लगेगा, 1 घंटा लगेगा थोड़ा सा। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं ऊपर जाके, देखते हैं व्यू कैसा है। अब ऊपर जाके क्या मैं दिखने का, ऊपर क्या देखने का, ऊपर मर्जी। हो चुका है अभी, और अभी भी टाइम लगेगा कुछ 20 मिनट तो लग जाएगा आराम से। ये सामने है, यहाँ से जाते हैं केबल कार में बैठते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। तो देखते हैं अभी कितना टाइम और लगेगा। फिर वैसे यहाँ पे जो है आप मॉर्निंग में कुछ 8 o'clock का होगा यहाँ पे जो है एंट्री, और इवनिंग में कुछ 6:30 तक चलती है ये केबल कार। तो ठीक है, वैसे सैटरडे संडे थोड़ा सा इससे ज़्यादा रश है, बाकी अदरवाइज तो ये नॉर्मली रहेगा अगर आप वीकडेज में आएंगे तो। ठीक है, thank you.
स्पेशल एंट्री मिली है यहाँ पे और कम से कम आधा घंटा सेव हो गया हमारा, तो अभी बस नेक्स्ट नंबर हमारा आने वाला है, तो वो देखते हैं। चलो बैठ के फाइनली छह लोगों की कैपेसिटी यहाँ पे और अभी केबल कार हो गई स्टार्ट और चलते हैं। अभी बाहर बंद हो गया रोड, देखो भाई साहब सामने व्यू एवरेस्ट हिमालय सारा दिख रहा है यहाँ से। अभी मैं फोटो क्लिक करता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली हम यहाँ पे ऊपर पहुँच चुके हैं और टाइम कुछ लग गए, डेढ़ घंटे लगे यहाँ पे ऊपर आने के लिए। और यहाँ ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ से हिमालय का पूरा व्यू दिखता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मौसम अभी विंटर है तो थोड़ा सा फॉगी है, तो जिसके वजह से पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, बट स्टिल कुछ दिख रहा है। आप देखिए सामने, तो ये नीचे है केबल कार जिससे हम आए ऊपर, और ये सामने देखिए वापस आते टाइम पे भी लाइन लगाना पड़ेगा, तो देखते हैं जाते टाइम और कितना टाइम लगता है। अभी यहाँ पे कम से कम एक घंटा तो घूमेंगे, ऊपर एक टेंपल है वहाँ पे चलते हैं। तो ये सामने देख रहे हो ना, ये है माउंट एवरेस्ट जो कि यहाँ से चंद्रगिरी हिल है, यहाँ से दिख जाता है। और वहाँ पे ट्रेकिंग करने के लिए तो चलो महीनों लग जाएंगे, बट ठीक है अगर आप यहाँ तक नहीं जाते तो आपको यहाँ से व्यू दिख जाता है। बाकी फ़ोटोज़ मैंने लिए हैं, मैं आपको डालूँगा नीचे, आप देख लेना क्लोजअप व्यू। और एक बात यहाँ पे यह है कि अगर ये जो आप केबल कार का जो मतलब कि टिकट होता है ये वैसे 7 दिन के लिए वैलिड होता है, तो अगर आपको यहाँ पर ऊपर किसी रिजॉर्ट पर या मतलब कि होटल गेस्ट हाउस में स्टे करना है तो आप स्टे कर सकते हैं 2-3 दिन में और उसी टिकट से वापस जा सकते हैं। तो हमें तो स्टे करना है नहीं, यहाँ से हम निकलेंगे, तो अभी चलते हैं ऊपर देखते हैं। ये ऊपर जो है ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पे टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं वो सामने ऊपर, तो वहाँ से जो ऊपर जो है व्यू दिखता है माउंट एवरेस्ट का हो गया या फिर हिमालयन रेंज का है, तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी देखते हैं मंदिर होके फिर जाएंगे ऊपर। और ये टेंपल, तो अभी हम यहाँ पे हैं 8,369 फीट सी लेवल से ऊपर, और यहाँ पे है ये टेंपल चंद्रगिरी हिल पे।
काफ़ी भीड़ है आज। और हाँ, यहाँ पे जो सैटरडे है, सैटरडे यहाँ पे ऑफ होता है लोगों का, फ्राइडे हाफ डे होता है, और संडे जो यहाँ पे वर्किंग डे होता है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो सैटरडे को अवॉइड कीजिए और बाकी संडे आ सकते हैं। तो ये टेम्पल है, ये है भलेश्वर महादेव टेम्पल, जो शिव जी का टेम्पल है। Inside the temple. आज हम आए हैं तो चले सामने जो है ये टेलीस्कोप है, यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसका ही पता करते हैं क्या एंट्री फीस है। वैसे हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर से जो देखना था मैंने अपने लेंस में कैप्चर कर लिया है, घर जाकर दिखाऊंगा आपको भी। ये है यहाँ पे कैश काउंटर, और यहाँ पे देखते हैं क्या प्राइसेस हैं। नहीं, ये तो एक्चुअली फूड कोर्ट है, वैसे फूड कोर्ट है, उसके प्राइसेस ये रहे। सामने फूड कोर्ट है, कभी देखते हैं कुछ खाने का होगा तो यहाँ से देखते हैं खाने। और बाकी ऊपर नहीं जा रहे हम टेलीस्कोप देखने के लिए, फिर भी मैं देखता हूँ वहाँ पे क्या प्राइसेस हैं, पता करता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ। शायद इस साइड हुआ एंट्री, लिखा है व्यू टावर और बियर गार्डन, दोनों साइड है। टिकट का क्या प्राइस है यहाँ पे? 50 रुपीज़। ओके, तो ठीक है, टिकट तो सस्ता ही है, 50 रुपीज़ है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अभी धुंध है यहाँ पे। अगर आप समर सीज़न में आते हैं तो आपको दिखने का चांसेस ज़्यादा होता है क्योंकि स्काई क्लियर रहता है। तो ठीक है, मैं पूछता हूँ अगर अभी एक दो जो हमारे साथ आए थे अगर वो चलेंगे तो चल लेंगे, बाकी आप लोग तो नहीं देख पाओगे खैर। तो ठीक है, अभी चलते हैं, यहाँ पे कुछ खाना चल रहा है, यहाँ पे लाइन लगी हुई लोगों की, आ रहे हैं। ये सामने टेंपल है, पीछे इसका व्यू पॉइंट है, और ये हैं रावत जी जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एंड बेसिकली हम दोनों कलीग्स थे HDFC बैंक में, तो फर्स्ट टाइम इनसे इंट्रो करा रहा हूँ। और बाकी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी इस साइड से व्यू दिखाता हूँ। ये छोटा सा एक ओपन स्टेडियम कह सकते हैं इसको, छोटा सा वो बना हुआ है, यहाँ पे आके लोग बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं सारे। सही है जगह यहाँ पे हैंगआउट करने के लिए, वैसे अगर आप मॉर्निंग में आ जाएं तो सही रहता है, हम थोड़े से लेट हो गए बट ठीक है, एंजॉय तो फिर भी कर रहे हैं। बट हाँ, मॉर्निंग में आ जाते तो पूरा दिन आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है, आप आराम से रिलैक्स कीजिए। तो ठीक है, अभी चलते हैं कुछ खाने पीने का देखते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। बच्चों को खेलने के लिए अच्छा पार्क भी है छोटा सा, तो बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो ये नीचे रेस्ट रूम है, वॉशरूम है,
जो भी कह सकते हैं आप। बाकी इधर से फिर से चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर, फिर उधर से बाहर नीचे। सभी इधर से चलते हैं नीचे की तरफ, फिर लाइन लगी हुई है, अभी यहाँ से लाइन लगाते हैं नीचे जाने के लिए। तो देखते हैं अभी यहाँ से जाते टाइम कितना टाइम बचता है, और आते टाइम तो डेढ़ घंटा लगा था, अभी लेट्स सी कितना टाइम और लगेगा। अभी टाइम बज रहे हैं कुछ 3:45 हो रहे हैं, होपफुली एक घंटा लग जाएगा। 45 मिनट्स हो चुके हैं और अभी भी टाइम लगेगा कुछ और आधा घंटा, लेट्स सी। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है अभी यहाँ पे, तो टाइम हो रहा है 4:30 नेपाली टाइम। ये है बार आठ 2520 फीट एबव सी लेवल, मीटर नॉट फीट, करेक्शन। अभी देखते हैं अंदर और कितना टाइम लगता है, बाहर तो बाहर से अंदर आने के लिए एक घंटा लग गया पूरा, और अभी यहाँ से कुछ और आधा घंटा लग जाएगा, आधे घंटे के बाद शायद नंबर आ जाए अपना, देखते हैं। चलो फाइनली पहुँच गए अभी, और टाइम कुछ लगा एक घंटा 15 मिनट यहाँ तक पहुँचने में, और अभी एक दो केबल कार के बाद अपना नंबर आ जाएगा।